गुड मॉर्निंग मिठीज फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह की शुरुआत हर बार हाउस वाइफ की किचन से ही होती है। तो अभी मैंने सुबह सुबह की चाय चढ़ा दी है, यहाँ पक रही है। इधर दूध है जो कि मीठी पिएगी, बिस्किट खाएगी, और इधर है मेरे आलू मटर। और ठंडियों के मौसम में हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है भाई, आलू मटर बहुत फ्राई होता है। वैसे तो पोहा बहुत खाते हैं सब लोग, पर मैं आज आलू मटर का कचालू बनाऊँगी। और उसके बाद मम्मी जी बनाएंगी बैंगन का भरता, जो कि मम्मी जी ने बैंगन को भूंज लिया था। ये देखो, मम्मी जी ने बैगन को रात में ही भूंज दिया था, क्योंकि तो रात में सिकड़ी जलाई गई थी तो मम्मी जी भूंज ली थी। और ये टमाटर भी मम्मी जी ने उसी सिकड़ी में भूंजा है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये रहा, अभी इसका भरता बनेगा, सिल में पीस के बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा, चटपटा। तो अभी मीठी को भूख लगी है, पहले हम लोग देते हैं मीठी को दूध बिस्किट। है ना मीठी, खा ली बादाम? बादाम खा ली तो यहाँ पे मैंने दूध बिस्किट मीठी को दे दिया है। और मेरा और मीठी का हम दोनों का फेवरेट बिस्किट है पार्ले जी। मैं तो चाय से डुबो के खाती हूँ, वो बिस्किट दूध से डुबो के खाती है। तो वो शांति से बैठ चुकी है और यहाँ पे मेरी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी थी। इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया था, तेल गर्म था, ज़ीरा डाला है, ज़ीरा अच्छे से क्रैक हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाला है। लहसुन आप डाला करिए सर्दियों में, तो स्पेशली हर चीज़ में लहसुन डालिए, क्योंकि लहसुन गर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैंने मटर डाला है, उसके बाद से डाल दिया है आलू जो कि बॉयल रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने चार आलू लिए हैं, और जितने मेरे घर में लोग उस हिसाब से लिए। आप ये काम करना ज़रूर से कि आलू कम लेना और मटर ज़्यादा लेना, तब आपका चालू बनाना बहुत टेस्टी बनता है। बाकी तो सबका अपना एक ही तरीका होता है, एक ही जैसे बनाते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है, जो मटर है वो थोड़ा सा पक जाएगा, तब तक मैं हरी धनिया काट ले रही हूँ। और आज आपसे मैं कुछ मतलब अपने दिल की बात करने वाली हूँ, जो कि आप सच में मत करना यार, मैं सीरियसली दिल से बोल रही हूँ, ये चीज़ मत करना। तो मैं अभी आपको फ्री होकर आराम से इत्मीनान से सारी चीज़ें बताती हूँ बैठ के। तो यहाँ पे मैंने आलू मटर डाल दिया है, और हाँ मेरी लव मैरिज हुई है, कुछ लोग पूछते रहते हैं, तो हाँ हुई है। और मैं बहुत जल्दी अपनी लव स्टोरी भी सुनाऊंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग के साथ शेयर करने में। बस मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि कहीं बाहर जाएंगे तब सुनाएंगे साथ में बैठ के। तो अब देखिए उनका कहाँ बाहर जाने का प्लान होता है और फिर हम कब सुनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाला है, नमक डाला है, और इसमें आप पिसी मिर्ची भी डाल सकते हो, पर मीठी भी खाएगी इसलिए मैंने पिसी मिर्च थोड़ा सा हटा दिया, स्किप कर दिया। आप डाल सकते हो, आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हो, आप इसमें मैगी मसाला, मतलब एक कोई मसाला डालना, दोनों नहीं, मैगी मसाला डाल के भी आलू का कचालू बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मेरा आलू कचालू तैयार है, और उसके साथ है गर्मा गर्म पराठे। तो मैं पहले जा रही हूँ पापा जी को दूँगी, और उसके बाद दादाजी को दूँगी, क्योंकि दादाजी बाहर धूप में बैठे हुए हैं। बाबा अच्छा बना है, पराठा भी खाएंगे क्या? ले लीजिए ना एक ठो, तीखा तो नहीं है ना? हाँ कम ही तीखा बना रहे। तो ये ससुराल में बहू रानी का जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है, और सब कुछ मैनेज करने का तरीका जो मैंने सीख लिया है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, डेली शेयर करूँगी, थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी। तो अभी पहले चलो मीठी के साथ खेल लेते हैं थोड़ा सा। इस साइड देखो, इस साइड तुम्हारा तरफ आएगा तो तुम कैच करना, मेरे तरफ आएगा तो पकड़ लेना। सो गाइस, पता है हम लोग क्या किए, खाना पीना, सॉरी पहले हम लोग आलू मटर तले, फिर मैंने पराठे बना दिए। पापा जी बोले इस आलू मटर के साथ पराठे अच्छे लगेंगे, तो मैंने पराठे बना दिए। दादा भी खा लिए, पापा, सब लोग खा लिए घर के लोग। तो अभी मैं यहाँ पे धूप आ जाती है थोड़ा सा, 1:30 बजे तक, 1 बजे यहाँ पे धूप आ जाती है। तो यहाँ पे मैं धूप में ऐसे बैठी हुई हूँ, थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठेंगे, और उसके बाद हम लोग खाना अब क्या बनाऊँगी मैं, क्योंकि सब लोग पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी खा लिए हैं। तो अब सीधे हम आलू मटर की सब्जी, तब भी तो नहीं खाई हो। मीठी बोल रही मम्मा मेरे साथ बॉल खेलो, तो मैं मीठी के साथ बॉल खेल रही थी। और अब बनेगी शाम को कटहल की सब्जी। बैगन का भरता जब मम्मी जी पीस रही थी सिल में, तो मैं पता क्या कर रही थी, कपड़े धो रही थी। आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि धूप आई थी, तो मैंने कहा कि चलो सुखा लेते हैं। वो देखो बैठा है। हाँ शिवम लोग क्या दीवार पे, देखो शिवम की दीवार पे कपड़े थे, तो मैंने कहा कि बहुत दिन से रखे थे, मैं कि धोना है, जिस दिन धूप आएगी उस दिन धोऊंगी। तो धूप आ गई थी तो मैंने धो डाले सारे कपड़े। तो बस कपड़े धुल चुके हैं, अब जब हम लोग बनाएंगे कटहल की सब्जी तो आपको भी दिखाएंगे।
और फ्रेंड्स को क्या करना है, चैनल को बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार। हाँ, तो आप लोग प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और बहुत सारा आपको प्यार देते रहे। हाँ, और आप हमें देते रहो, हम आपको देते रहे। 5 मिनट हो रहे हैं और शाम हो चुकी है। बर्तन मैंने धो दिए थे, सब कुछ चाय भी मैंने दे दिया है और इधर कटहल उबल चुके हैं पर दिखाने की कंडीशन नहीं है इसकी। पता नहीं यार ये काला क्यों हो गया, मुझे खुद भी नहीं पता। मम्मी जी पीसी हैं और इधर हमारे मसाले की भी तैयारी हो चुकी है और इधर हमारी चाय चढ़ी है क्योंकि सब लोग चाय पी चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। जब ज़्यादा तेज़ से ठंडा होता है ना मौसम, जब सूर्य बिल्कुल अस्त हो जाता है तब मैं चाय पीती हूँ, तब आनंद आता है चाय पीने में। तो अभी बाहर सिगड़ी लगी हुई है, सिगड़ी थोड़ा सा आँच पकड़ लेगी, धुआँ हट जाएगा, उसके बाद सिगड़ी यहीं आ जाएगी। तो फिर ये टोपा ओपा हटा दूँगी क्योंकि अभी बहुत ठंड लग रही है, दरवाज़ा भी खुला हुआ है तो हवा भी आ रही है। बताइए ना क्यों काला हो गया है? दूध के कारण काला हो गया, फ्राई हो गया है। फ्राई हो गया है फ्राई कर ले। ये फ्राई हो गया है तेल में? हाँ ये तो हो गया है, दोपहर में ही कर ली थी क्या? और इसमें है लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट और हल्दी भी डाल देती है मम्मी जी मसाला पीसते ही टाइम पे, और हरी मिर्च भी है इसमें पीसी हुई। अलग ही लगता है हरी मिर्च वाला मसाला, जैसे चटनी जैसे। ये लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है ऐसा नहीं है, इसमें मिर्च पीसा गया था, पाउडर बनाया गया तो इसलिए थोड़ा सा लगा हुआ है। मम्मी जी इसका कोफ्ता भी बहुत अच्छा लगता है, बनाती हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। मम्मी जी के हाथ का लौकी का कोफ्ता और ये दोनों कोफ्ता बहुत अच्छा लगता है। सर्दी में सब जगह पे कटहल मिलता होगा, गर्मी में तो आता है ना कटहल। तो मसाला पक गया, तब तक मैं टमाटर पीस देती हूँ। तो इसके नखरे ऐसे चलते हैं, ये मुझे ब्लॉगिंग ही नहीं करने देती है, बस इसे फोन चाहिए होता है। तो यहाँ टमाटर मैंने पीस के दे दिया था मम्मी जी को, यहाँ पे मम्मी जी डाल दिए टमाटर को। इसमें मम्मी जी थोड़ा सा टमाटर डाली हैं क्योंकि ज्यादा खट्टा हो जाएगा तो पापा जी नहीं खाएंगे। मम्मी जी गरम मसाला का पाउडर कब डालेंगी? डाल दी पीसते ही से, मैं डाल दी थी क्या? अभी डाली है, मैं देखा ही नहीं पाई। इसमें धनिया का पाउडर भी चला गया, गरम मसाला भी चला गया, लगता है जब टमाटर पीस रही थी तभी आप डाल दी है ना। इन सब चीज को अच्छे से भूंज के पका लेना है। और ये लड़की को क्या चाहिए? क्या चाहिए इस लड़की को? क्या चाहिए इस लड़की को? ये देखो छोटी वो हो गई, छोटी सी सेफ बन गई है, जूनियर सेफ है। मीठी क्या चाहिए तुमको? क्यों चाहिए? देखो हमारा चावल पक चुका है, सब्जी भी बनने ही वाली है, फिर उसके बाद मैं गर्मा गर्म रोटियां से एक दो। तो जब तक मम्मी जी की सब्जी बन रही थी मैंने आटा गूंथ लिया था और यहाँ पे मम्मी जी ने जो ये कटहल को बॉईल करके थोड़ा सा तेल में कलहार के रखा था इसको इसमें डाल दिया मम्मी जी ने, और मसालों के साथ अच्छे से इसको पहले भूंज लेना है, ढक के पका लेना। और इसमें अब मम्मी जी ऐड कर रही हैं नमक। मम्मी जी को ज़्यादा समझ आता है, मैं तो उनकी बेटी हूँ ना। हाँ क्या बोली? हाँ सब रिकॉर्ड हो गया कैमरे में। वो सबकी मम्मा है। तो ये देखिए थोड़ा सा भून जाने के बाद कटहल का जो कालापन था वो बिल्कुल हट गया है, और इसके साथ हम लोग कर लेंगे जितना हमें रसा चाहिए, ग्रेवी चाहिए, क्योंकि इससे चावल रोटी दोनों ही चीज़ खाना है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ढीला मतलब पतला रसा रखेंगे और इसके बाद ये खोलेगा और हमारी सब्जी पक जाएगी। अब तो ठंडी नहीं लग रही बेटी? अब तो ठंडी नहीं लग रही, लग रही है। सिगड़ी तापो फिर, ये देखो सिगड़ी आ गई गरम गरम, ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है गरम गरम। आप लोग भी सेक लो, ठंडी नहीं लगेगी फ्रेंड्स को, है ना। तो अभी इसका रसा थोड़ी देर पकेगा और उसके बाद हमारी सब्जी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो गाड़ी है ना चाचा, जो इसकी चाचा दादा में किसी की शादी हुई है ना।
तो यहाँ पे मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, जो आपके यहाँ सामने पलंग दिख रही है इस पे सब लोग बैठ जाते हैं और गर्मा गर्म रोटी बनती जाती है और सब लोग खाते जाते हैं। तो यहाँ पे सिगड़ी जो अंगीठी होती है वो भी रखी हुई है, तो एकदम किचन पूरा धुआं धुआं सा दिख रहा होगा, तो कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब जब मैं ससुराल आई थी शादी होकर पहली बार, तो मुझे आटा गूँथने भी नहीं आता था गाइस। मतलब मैंने कभी आटा वाटा नहीं गूँथा था, क्योंकि बस कॉलेज कर रही थी और फर्स्ट ईयर कम्प्लीट हुआ था, नहीं सेकेंड ईयर कम्प्लीट हुआ था शायद, और उसके बाद थर्ड ईयर में मैं यहीं आ गई थी, यहीं से गई थी एग्जाम देने। तो मुझे रोटियां बनाते नहीं आती थी, और जब मैं रोटियां बनाती थी ना तो किसी को अच्छी नहीं लगती थी, कभी एकदम पापड़ जैसी बनती थी, कोई टेढ़ी कोई मेढ़ी, तो मतलब सब लोग कहते थे कि पैर से बनाती हो क्या रोटी, रोटी बनाते नहीं आता। और मम्मी जी मुझे हाथ पकड़ पकड़ के उन्होंने मुझे रोटियां बनाना सिखाया है, तो बस मतलब मुझे रोना आ जाता था कि यार मैं खिला नहीं पाती हूँ बना के, मतलब बहुत दुख लगता था कि यार काश मैं सबको अच्छे से बना के खिला पाऊँ। और अब ठीक है, अब सब कुछ एकदम सही है, तो आप लोग कभी ऐसी गलती मत करना भाई, थोड़ा बहुत खाना वाना बनाते आना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां जिन्हें आता है पहले से, पर जिन्हें नहीं आता है वो थोड़ा बहुत सीख के ही जाना, ताकि आप किसी को निराश ना करो। बाकी मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। तो ये देखो चूल्हे की रोटी मम्मी जी बना रही है अपने लिए। सो गाइज, मैं अपना खाना लेके आ चुकी हूँ, सब लोग खाना खा चुके हैं, और ये रहा मेरा खाना। इसमें देखो कटहल की सब्जी है, अरे और धनिया, मतलब जब धनिया रहती है तो मैं डालना भूल जाती हूँ, और जब धनिया नहीं रहती तो सोचती हूँ अरे यार सब्जी में धनिया डालते तो कितना अच्छा लगता। तो अभी मैं आपको सब्जी दिखा रही हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें धनिया नहीं है, छोड़ो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चावल रोटी और कटहल की सब्जी बिल्कुल तैयार है, आ जाओ आप लोग भी खाना खा लो। अभी हस्बैंड जी इसी में खा रहे थे तो मैंने इसी में ले लिया, हमेशा हाउसवाइफ्स की आदत होती है ना कि जिसमें हस्बैंड खा रहे हैं वो बोलते थे अरे सब्जी थोड़ी सी बच गई, तो मैं बोलती अरे हो गया रख दो मैं इसी में खाना खा लूँगी, तो मिली ही नहीं। तो आजकल सर्दियों में ऐसा होता है ना कि भाई मतलब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, ये कहो ब्लॉग बन जा रहा है बहुत बड़ी बात है भाई, घर के काम तो हमें करने ही हैं, खाना तो हमें बनाना ही है, तो उस रेसिपी को आपके साथ शेयर क्यों ना कर दिया जाए, है ना। तो बस ऐसे ही था आज का हमारा पूरा दिन। जगह थ्री थ्री बनाओ, अच्छे से साफ सुथरा बनाना, ठीक है। मेरा स्टोरेज जो मोबाइल का स्टोरेज होता है वो भर गया था आप लोग से बात करते करते, तो मैंने सोचा कि अब खाना खाने के बाद फ्री होके फिर बात करेंगे। तो बात बस यही करना है कि अब हम लोग व्लॉग का क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मीठी को नींद आ रही है, देख लो।